हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से वेबसाइट से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तो हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है एग्ज़ाम का, तो आई होप आप सभी ने कमर कस ली है और बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन में जो चीज़ हमें बतानी है वो एक राइस की जो वैरायटी है उसके बारे में बताना है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, पनवेल, कवोनी, पोकाली और त्रिशूर माटा राइस। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब जो वैरायटी है राइस की उसके बारे में हमें कुछ बताया है। पहला तो बताया है कि ये यूनिक है, सलाइन टॉलरेंट राइस की वैरायटी है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा सकती है और जो वाटर लॉगेड जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के जो इलाके हैं जहाँ पे खारा पानी आ जाता है, वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। और मेनली इस राइस की वैरायटी को अलपुजा, केरल, थ्रिसूर, एर्नाकुलम यहाँ पे उगाया जाता है। रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि केरला में ये जो राइस की वैरायटी है ये पोकाली राइस है। ठीक है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, जीआई टैग इसको मिला हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे समुद्र का खारा पानी बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, हमारे देश में भी रिसर्च हो रही है और इस तरीके के जो सिस्टम हैं जहाँ पे कि हम खारे पानी में भी उगा सकते हैं या क्लाइमेट चेंज का जो असर बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। हाल ही में इस पोकाली को सुंदरबन भेजा गया था, इसके कुछ सीड्स जो या सॉरी सैपलिंग्स जो हैं वो सुंदरबन भेजे गए थे, क्योंकि सुंदरबन में बार बार टाइड्स आते रहते हैं, ज्वार आते रहते हैं, तो सुंदरबन के एरिया में खारा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सलाइन जो वाटर है बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे नॉर्मल जो पैडी या राइस है उसको उगाना संभव नहीं है। तो वहाँ पे ये पोकाली राइस के सैपलिंग्स जो है वो भेजे गए थे। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, कैग के ऑफिस के बारे में दिया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया है कि कैग जो भारत का सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे स्टेट का हो सेंटर का हो, उसको कंट्रोल करता है। सेकेंड दिया है कि कैग का जो ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है। तीसरा दिया है कि कैग रिटायर होने के बाद में और कोई सरकारी काम भी कर सकता है, सरकार उसको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैग का जो ऑफिस है ना वो 65 साल तक या फिर 6 साल का उसका फिक्स टेन्योर होता है, राष्ट्रपति की प्लेजर पे डिपेंड नहीं करता है। कैग को हटाना हो तो हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, ये इसमें दिया हुआ है कि कैग जो है वो एलिजिबल है फर्दर सरकारी ऑफिस, मतलब उसको कोई सरकारी ऑफिस वगैरह अपॉइंट किया जा सकता है इवन रिटायरमेंट के बाद में। ये स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और तीसरा गलत हो गया। हमारे पास से पहला ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, ये सही हो गया। और कैग जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, पर्स जो है हमारा इंडिया का उसको कंट्रोल करता है, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, सेंटर के अकाउंट्स की ऑडिट करता है, स्टेट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, साथ ही साथ स्टेट के अकाउंट को ऑडिट भी करता है। पहला स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो तीसरा नंबर का कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। इसमें बोला है कि कैग जो है ना कोई भी आगे रिटायर होने के बाद में किसी भी सरकारी ऑफिस में पोस्ट में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने एक बहुत नाम सुना होगा विनोद राय जी का। विनोद राय जी कैग थे जिन्होंने 2G स्कैम, सॉरी 2G स्कैम, कॉल स्कैम के बारे में उन्होंने बोला था कि इतना करोड़ का घोटाला हुआ है। कैग से वो रिटायर हो गए और उसके बाद में आपको याद होगा कि एक नया ऑफिस बनाया था सरकार ने, बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB। इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम था जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके MD, चेयरमैन, इन सबको सिलेक्ट करना। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि एक रिटायर कैग है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि इसको आगे सरकारी पोस्ट नहीं दी जा सकती है, बट स्टिल हमने इसको बीबी का चेयरमैन बना दिया। केस अभी भी शायद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कुछ उस पर डिसीजन अभी आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन दिया है कि मेडिटेरेनियन जो सी है उसके कौन सी कंट्रीज टच करती हैं बॉर्डर को, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, इसराइल। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, सीरिया तो हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, लेबनान भी अभी न्यूज़ में था,
क्योंकि बैरूत में धमाका हो गया था, एक स्टोर हाउस था उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, बाकी जॉर्डन, इराक, इसराइल। ये इस टाइप का क्वेश्चन 2015 के अंदर भी आ चुका है यूपीएससी में, और सिमिलर पैटर्न 2017 के अंदर भी आया है, और रिसेंटली 2019 के अंदर भी एक सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसमें मेडिटेरेनियन सी की जगह ब्लैक सी दिया हुआ था, तो मेडिटेरेनियन सी को जॉर्डन टच नहीं करता है, जॉर्डन एक थोड़ा अंदर की साइड में है। इराक भी टच नहीं करता है, सीरिया, लेबनान और इसराइल। 1 2 5 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ें, जब भी कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जब भी आप वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ें तो मैप ज़रूर लेके बैठें। देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ जिब्राल्टर यहाँ पे है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, ठीक है। इस तरीके से जॉर्डन है वो थोड़ा अंदर है, और बाकी ये हमें बाकी जो सीज़ हैं वो भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए, एटलीस्ट हमें ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, ये सब पता होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स के नाम से आप ज़रूर ज्वाइन करिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल, स्ट्रेटजी, गाइडेंस सब आपको वहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक हमें बॉडी जो है उसका नाम दिया हुआ है, ट्रैफिक इसका नाम है, ट्रेड रिलेटेड एनालिटिक्स ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेड को जो बनाया है वो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसने बनाया है। सेकंड बोला है कि इस ट्रैफिक का काम है कि जो वाइल्ड प्लांट है, एनिमल है, पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उनका उनके अंदर जो ट्रेड होता है, उनके अंदर जो व्यापार होता है, वो इस हद तक ना पहुंच जाए कि उनके एग्जिस्टेंस को ही, उनके अस्तित्व को ही खतरा हो जाए, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट ना इसमें गलत है, ट्रैफिक को जो बनाया है ना वो यूएनईपी ने नहीं बनाया है, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने मिलके बनाया है, ठीक है। IUCN जो है उसका भी मोटो एम यही है कि एनिमल और सॉरी ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल का ट्रेड इस हद तक ना पहुंच जाए कि उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाए, ठीक है। तो ये सब का काम यही होता है कि जो इलीगल पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है, उसको कैसे हम रोकें, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमें पता होना चाहिए ट्रैफिक के बारे में, इसको किसने बनाया है, और इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो चुका है। और ये क्वेश्चन जो है वो 2017 के अंदर आया है। आप एनवायरनमेंट की कोई भी बुक पढ़ोगे उसके अंदर ये दिया रहता है ट्रैफिक के बारे में, तो नॉर्मली जनरली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी उससे पहले हम देख लेते हैं, प्रज्ञान अपना टेस्ट होने वाला है ऑल इंडिया मॉक 14 मार्च को, तैयार रहिए, रजिस्ट्रेशन आप करके रखिए पहले से ही, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो न्यूज़ में बहुत रहता है, जो लोग दिल्ली रहते हैं या न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन शायद 2016 के प्रीलिम्स के अंदर आ चुका है। इसमें बोला है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना उसके अंदर क्या क्या मेज़र किया जाता है। 5 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ओजोन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये होगा ना कि इस बेंजीन को मेज़र नहीं किया जाता है, हालांकि अपने आप में बेंजीन भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है, बेंजीन को मेज़र नहीं किया जाता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेज़र किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किया जाता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया, 1 2 5। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल जो है वो 8 मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, PM10, PM2.5, NO2, O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि CO है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं रखा गया है। सभी का जो मेजरमेंट है वो 24 घंटे के बेसिस पे किया जाता है, बस कार्बन मोनोऑक्साइड और इस ओजोन का मेजरमेंट 8 8 घंटे के ऊपर किया जाता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि ओजोन जो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है और वो हमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, लेकिन जब ये धरती के ऊपर जब ओजोन बनने लग जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बैड ओजोन इंडस्ट्री है, वहाँ से नाइट्रोजन के कंपाउंड निकलते हैं, फिर गाड़ियों के धुएं से ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, हम लोग परफ्यूम वगैरह जो यूज़ करते हैं उससे भी निकलता है, इन सब का मिक्सचर हो जाता है। और फिर जब धूप होती है लगभग 12 बजे 11 बजे, जब सन एकदम पीक पे होता है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ओजोन फॉर्मेशन हो जाता है, फिर आगे जो है वो स्मॉग बन जाता है, ठीक है।
तो ये हमें पता होना चाहिए इतना। आज के एमसीक्यूज में आपके कैसे